चलिए, तीन बड़े मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश बंसल जी, आदित्य अग्रवाल, विवेक गुप्ता, और जानने की कोशिश करेंगे कि अब एफएनओ में रणनीति कैसे बनाई जा सकती है। आज निफ्टी में 55 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिल रही है, तो आपके लिए अब इम्पोर्टेंट ये है कि एक्सपायरी से पहले कुछ ऐसे ट्रेड्स आपको पता चले जहां पर पैसा बनने की गुंजाइश काफी स्ट्रांग है। आप सभी का ही स्वागत है शो में, लेकिन सबसे पहले विवेक जी, बात अब से निफ्टी पे हो चुकी है, अगर आप एक बार टारगेट्स निफ्टी के और निफ्टी बैंक के आज के लिए बताएं, बहुत क्रूशियल डेटा है आज के हिसाब से, निचले स्तरों से कुछ पुलबैक की उम्मीद है, तो क्या निफ्टी निफ्टी बैंक को खरीद के चल सकते हैं? टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए सिर्फ आज के लिए। देखिए, मैं इस पुलबैक को सेल करने के लिए यूज करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे शॉर्ट टर्म में ट्रेंड वीक लग रहा है, अगले 2 से 3 दिन में मुझे दबाव नजर आ रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी में सेल ऑन राइज की रणनीति रखें। अगर 9830 से लेकर 9840 का लेवल मिलता है तो 9900 के स्टॉप के साथ सेल करें। नीचे में 9760 और 9730 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में मैं सेल ऑन राइज की रणनीति देना चाहूंगा। अगर 24240 से लेकर 24250 की रेंज मिलती है बैंक निफ्टी में, 24390 के स्टॉप लॉस सेल करें। नीचे में 24010 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। जी, आदित्य अग्रवाल भी हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे भी व्यू ले लेते हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी आज निफ्टी निफ्टी बैंक दोनों पर? निफ्टी हमको मोर और लेस रेंज बाउंड लग रहा है, 9750 निफ्टी में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हमको लगता है कि यहाँ से निफ्टी में पुल बैक देखने को मिलेगा। आज ग्लोबल मार्केट के चलते हमको लगता है निफ्टी गैप अप देखने को मिलेगा, तो वहां से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर निफ्टी 9840-9850 के आसपास खुलता है तो मुझे लगता है कि वहां पे कोई फ्रेश ट्रेड लेने का एक अपॉर्चुनिटी नहीं बनता है। अगर निफ्टी वापस नीचे आता है इंटरडे में 9800-9810 के आसपास आता है तो एक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ऑफ 9760 और टारगेट रहेगा 9860 का। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी आज एक गैप अप ओपनिंग खुलेगा, तो हमारी सलाह रहेगी थोड़ा डिप में बाय करिए, वापस 24,100-24,150 के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो वहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट 24,400 का रहेगा, नीचे में स्टॉप लॉस 23,900 का रहेगा। राकेश जी, आप क्या टारगेट्स लेके चल रहे हैं निफ्टी निफ्टी बैंक पे? एक और डेटा मैं इंपॉर्टेंट बता दूं कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन है निफ्टी पे ऑप्शंस में पुट साइड पे, वो 9800 के जोन्स पे ही है, तो एक तगड़े बाउंस के लिए तैयार होंगे क्या? 9850-9860 तक के टारगेट्स लेकर चल सकते हैं आज? बिल्कुल रजत, अगर आप देखें तो कल जब मार्केट गिरी थी तो सेलेक्ट मिड कैप्स में गिरावट थी, इंडेक्स में जरूर गिरावट थी, बट ओवरऑल शॉर्टिंग कैंडिडेट ढूंढना काफी मुश्किल था। हम ऑल्दो 9800 के नीचे क्लोजिंग लिए, बट जिस तरीके से आज इंटरनेशनल क्लूज हैं, डेफिनेटली 9800 के ऊपर क्लोजिंग लेंगे। अब देखना यह है कि ऊपर कितना ऊपर क्लोज होते हैं, 9840-9850 के ऊपर क्लोजिंग लेते हैं। अगर क्लोजिंग ले पाते हैं रजत, तो डेफिनेटली जो खतरे के बादल थे वो छट जाएंगे, तो वेट एंड वॉच करना चाहिए, एग्रेसिव होकर यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अग्रेसिव होकर ट्रेडिंग नहीं करनी है, लेकिन हमारे तीनों ही जानकारों का व्यू यही है कि बायस पॉजिटिव रह सकता है। आदित्य भी 9860 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और राकेश जी मानते हैं कि 9900 तक जाने की कोशिश हो सकती है राकेश की। अब आ जाते हैं स्टॉक्स पर, किन पर आपको आज ट्रेड लेना है। विवेक, पहले आप बताइए आपके फ्यूचर में रिकमेंडेशन क्या है आज के लिए? मुझे कमिंस इंडिया चार्ट में अच्छा लग रहा है, कमिंस इंडिया सीएमपी पे बाई कर सकते हैं 890 के स्टॉप लॉस साथ। ऊपर में मुझे लगता है 915 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। चेन्नई पेट्रो भी मुझे ओवरऑल बाई लग रहा है, चेन्नई पेट्रो बाई कर सकते हैं 419.50 के स्टॉप लॉस साथ। ऊपर में 429 के टारगेट देखे जा सकते हैं। चलिए, चेन्नई पेट्रो एक स्टॉक हो गया और साथ साथ कमिंस दूसरा स्टॉक हो गया। एफएनओ में आप तेजी की पोजीशंस इन दोनों ही स्टॉक्स में बना सकते हैं। आदित्य, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? सर, IT पैक में देखें तो टेक महिंद्रा में इस समय सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, जिसके अंदर हम कंटिन्यूस लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देख रहे हैं। 420-421 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो हमको लगता है कि यहाँ से पुल बैक वापस देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक ऑफ 444 के लेवल तक लेकर जा सकता है। इसके अंदर 421 के स्टॉप लॉस एक लॉन्ग पोजीशन करंट लेवल्स पे इनिशिएट की जा सकती है। सेकंड स्टॉक रहेगा बाय कॉल एंड पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था हमको लास्ट वीक में, कल के सेशन में प्रॉफिट बुकिंग के चलते स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। पिडिलाइट में यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद टारगेट ऑफ 844 एंड टारगेट स्टॉप लॉस विल बी 812। ठीक है, तो दो ट्रेड्स यहाँ पर आदित्य ने बताए हैं, एक तो टेक महिंद्रा, दूसरा पिडिलाइट, दोनों में ही खरीदारी का सजेशन है। पिडिलाइट में इनके टारगेट्स हैं 844 के और टेक महिंद्रा में टारगेट रखे 444 का, लेकिन टेक महिंद्रा आपको 430 के लेवल पर ही बाय करना है। अब राकेश की कॉल्स भी जान लेते हैं। राकेश, आपके फ्यूचर के ट्रेड आज के लिए? दीपाली, पहला एक बाय कॉल रहेगा ऑयल इंडिया पर, जहां मुझे लगता है एक्सपायरी के नजरिए से यहां पर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। 283 का स्टॉप लॉस, 297 का लक्ष्य है। दूसरा एक बाय कॉल रहेगा बाटा पर,
यहाँ पे दीपाली टेक्निकल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है और कल अगर मार्केट में वीकनेस नहीं आई होती तो मेरे को लगता है कल भी अच्छी रैली दिखाई होती। 662 का स्टॉप लॉस, 704 का लक्ष्य और लास्ट एकमात्र सेल कॉल मैरिको, 320 का स्टॉप लॉस, 302 के लक्ष्य के लिए मैरिको में बिकवाली की रह रहेगी। आते क्योंकि एक्सपायरी बेहद नजदीक है तो कोई ऑप्शन ट्रेड बता सकते हैं जो एक्सपायरी से पहले फटाफट मुनाफा दिला जाए? Well, yes, means January indication में हमको लगता है कि नेक्स्ट दो दिन में कल तक एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक में काफी बड़ा करेक्शन देखने को मिला था बट इसी तरह ऊपर में एक अच्छा उछाल आता हुआ देखा है तो हमको लगता है शॉर्ट कल तक ये स्टॉक 99 से लेकर 100 तक के लेवल से खा सकता है। इसी को देख के हम 95 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे जो अभी 1.75 रुपए के आसपास चल रहा है। इसमें हमारा टारगेट रहेगा 4 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 1 रुपए का। ठीक है, तो जैन इंडिकेशन का 95 का कॉल ऑप्शन बाय करने का सलाह दे रहे हैं आदित्य। 1.75 रुपए पर आप ये बाय कर सकते हैं, टारगेट 4 रुपए का रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 1 रुपए का। और ये मानते हैं कि फ्यूचर्स में भी 99 या फिर 100 तक ये स्टॉक जा सकता है, उसी के हिसाब से इन्होंने ये 95 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दी है। तो एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी आपको मिली है, साथ ही आपको ऑलमोस्ट 6 फ्यूचर्स के ट्रेड मिले हैं जहां पर जो ज्यादातर स्टॉक्स हैं वो खरीदारी की तरफ ही रखे गए हैं। एकमात्र सेल कॉल है जो कि राकेश ने दी है वो है अमेरिको पर, जहां पर 302 के टारगेट्स रहेंगे। ऑयल इंडिया, बाटा, यहां खरीदारी की रिकमेंडेशन है। टेक महिंद्रा, पेडेलाइट, ये भी बाय करने हैं। और साथ ही कमिंस इंडिया, यहां भी खरीदारी की सलाह है विवेक की ओर से, जो टारगेट इन्होंने दिए हैं वो है 915 के। चलिए, लेकिन अब एक ऐसे ट्रेड जो आज इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आपको तगड़ा मुनाफा दिला सकता है, आज का टू डेज ट्रेड देख लेते हैं। चलिए दीपाई, बताइए आज का कौन सा टुडेस ट्रेड होगा जहां पर सिर्फ इंट्राडे पर्सपेक्टिव से पोजीशन बनाए तो तेजी बन सकती है? कैश मार्केट पे कोई ऐसा शेयर जी? और जो स्टॉक आज के लिए टुडे ट्रेड में पिक किया गया है वो है पीएनबी गिल्ड्स का। हालांकि ये स्टॉक रजत आपको बताना चाहिए था क्योंकि आप फाइनल बेट में भी पहले स्टॉक का जिक्र कर चुके हैं और आप काफी क्लोजली देखते भी हैं, लेकिन ठीक है, आपने मेरे से पूछा है तो बता देते हैं कि पीएनबी गिल्ड्स आज टुडे ट्रेड के तौर पर पिक किया जा रहा है। कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपने ये पिक किया है। पहले टारगेट स्टॉप लॉस नोट कर लीजिए, 5150 का स्टॉप लॉस रखिए आज के सेशन में, 58 का टारगेट रहेगा। अगर हम स्टॉक के फंडामेंटल की बात करें तो पीएनबी की सब्सिडियरी है और ऐसी खबरें भी हैं कि पीएनबी गर्ल्स में हिस्सा बिक्री कर सकती है। अगर हम अर्निंग्स देखेंगे पीएनबी गर्ल्स के तो क्वार्टर वन के नंबर्स ठीक थे, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रहे थे। जो प्रॉफिटेबिलिटी थी कंपनी की वो ऑलमोस्ट 35% बढ़ी थी और कैश पोजीशन भी ठीक है। पीएनबी गर्ल्स की एक स्ट्रांग परफॉर्मर ये रहा भी है, बेहतर डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी है। तो ये कुछ की फीचर्स हुए पीएनबी गर्ल्स के। लेकिन अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल मोमेंटम की। पिछले 3 दिनों से हमने देखा है कि प्राइस परफॉर्मेंस स्टॉक की ठीक रही है। कल भले ही ये बहुत ज्यादा ना चला हो लेकिन अगर आप डिलीवरी वॉल्यूम्स देखेंगे पिछले 3 सेशंस की तो वो 62% के आसपास रहे हैं। 5 साल की ऊंचाई पर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है और अगर आप डेली, वीकली और मंथली चार्ट भी देखेंगे तो उन पर भी ये स्ट्रांग है। तो पीएनबी गिल्ड्स आज का टुडे ट्रेड रहेगा। जो टारगेट रेकमेंड किए जा रहे हैं वो है 58 के, स्टॉप लॉस आपको 5150 पर मेंटेन करना होगा। मिस्टर हरिहर, आपको कैसे लग रहा है इस समय फाइनेंशियल स्पेस, एनबीएफसी पॉकेट, क्या किसी भी शेयर पे खरीदारी करने की सलाह होगी? See, I think जो MFIs इधर जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, मेरे ख्याल से इनमें आई थिंक सेलेक्टेड स्टॉक्स, यू नो, मिसाल के तौर पे सैटिन क्रेडिट है, यू नो, या तो यू हैव स्टॉक्स लाइक भारत फाइनेंशियल, मेरे ख्याल से दिस कुड बी गुड पिक्स। बट मेरे ख्याल से बहुत शॉर्ट टर्म में शायद कुछ हो नहीं सकता है, बट स्लाइटली अबाउट 6 to 9 months पर्सपेक्टिव लेंगे तो डेफिनेटली आई थिंक ये पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, अगले 6 months के पर्सपेक्टिव से हरी का भी व्यू पॉजिटिव है पीएनबी गिल्ड्स पर।